अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं। इन्हें देखकर इंसानों का आपस में प्यार और भरोसा बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे काइंड लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने काइंड एक्ट से लाखों लोगों के दिल जीते। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, लग्जरी कार चलाना हर किसी का ड्रीम होता है। अक्सर लोग अपनी कीमती कार्स पर मक्की नहीं बैठने देते, लेकिन कभी कभार हादसे होते रहते हैं। इस वीडियो में जो गरीब शख्स आप देख रहे हो, इसने किसी लग्जरी कार को गलती से टक्कर मारी, जिससे कार को स्क्रेचेस आए। इसने फौरन गाड़ी से बाहर आकर तवान देना चाहा। इसके पास टोटल 30-40 डॉलर्स थे, जिससे देखकर लग्जरी कार वाले को तरस आया और पैसे लेने से इनकार किया। दोस्तों, कार और पैसे आने जाने की चीज है, हमें इंसानियत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। व्यूअर्स, दुनिया में ऐसे कई गरीब लोग हैं जो गाड़ी और कीमती बंगले के लिए नहीं बल्कि अपना पेट पाने के लिए मेहनत करते हैं। हमें इन लोगों की हेल्प जरूर करनी चाहिए, जैसे इस टिकटॉकर ने किया। यह 70 साल बुजुर्ग फादर्स डे पर गलियों में आइसक्रीम बेच रहा था। इस भाई ने सारी आइसक्रीम खरीद कर इसी घर जाने का कहा, जिस पर बुजुर्ग जज्बाती होकर रोने लगा। सिर्फ यही नहीं, इन लोगों ने इस शख्स को रिटायर करने के लिए 40,000 फंड भी रेस किया, जिससे इस बुजुर्ग की लाइफ बन गई। व्यूअर्स, इस जैसे लोगों की हमारी सोसाइटी को सख्त जरूरत है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग नादारी और गरीबी की वजह से स्ट्रीट परफॉर्मिंग या फिर गलियों में चीजें बेचते हैं। इन बेचारों को लोग बस कुछ पैसे देकर ही खुश करते हैं। लेकिन ये जो वीडियो में स्ट्रीट वेंडर्स आप देख रहे हो, इन्हें एक दरिया दिल रेस्टोरेंट मालिक ने रेस्टोरेंट बुलाकर अंदर खूब लजीज खाना खिलाया, जिससे देखकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान प्राइसलेस थी। दोस्तों, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस तुर्किश भाई को और भी नवाजे। व्यूअर्स, कराची की हालिया सैलाबों के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, जिसने हर तरफ तबाही मचाई थी। खासकर डिलीवरी बॉयज का तो काम ही रुक गया था, लेकिन इस वीडियो में जो फूड पैंडा के वर्कर्स आप देख रहे हो, इन लोगों ने पानी की तेज बहाव के बावजूद एक औरत को सड़क क्रॉस करने में मदद दी। व्यूअर्स, ऐसे लोगों पर फैमिली समेत पूरी कौम को फख्र है। दोस्तों, डॉगी को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त समझा जाता है। कई लोग स्ट्रीट डॉगीज को फीडिंग करने का काम करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मौजूद स्ट्रेंजर्स ने पहले तो कमाल बहादुरी से एक डॉगी को बहने से बचाया और फिर स्लिपरी दीवार पर ह्यूमन चिन बनाकर डॉगी को ऊपर खींचा। दोस्तों, बिलाशुबा इन लोगों ने ह्यूमैनिटी की आला मिसाल कायम की। व्यूअर्स, बच्चों को हेयर कट के दौरान चुप रखना दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन टास्क में से एक है, खासकर अगर बाल अनजान हेयर सलून पर बनाने हो। इस वीडियो में बच्चा बाल बनाते वक्त रो रहा था। वहां पर मौजूद लोगों ने बच्चे का ध्यान भटाने के लिए गाना शुरू कर दिया। ये ट्रैक परफेक्टली काम कर गया। बच्चा गाना सुनकर शांत हो गया। तब तक हेयर ड्रेसर उसके बाल बना चुका था। दोस्तों, सिटीज में डेली एक ही हेरोड पर हजारों गाड़ियां गुजरती है। हर कोई अपनी मंजिल पाने के लिए स्पीड से गाड़ी चलाता है। ऐसे में दूसरों की मदद करना खासा मुश्किल काम है। लेकिन ये जो डिश कैमरा में रिकॉर्ड की गई वीडियो आप देख रहे हो, इसमें एक बूढ़ी औरत फुटपाथ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लेग्स कमजोर होने की वजह से वहां फंस गई। गाड़ी में बैठा शख्स फौरन उतरा और इसकी मदद की। ये शख्स सच में एक नेक दिल इंसान था। व्यूअर्स, जिस किसी ने भी थोड़ी बहुत WWE देखी हो, वो ट्रिपल एच को तो जानता होगा। ट्रिपल एच दुनिया के सबसे फेमस और ताकतवर सुपरस्टार्स में से एक है। व्यूअर्स, रेसलर्स की इन रिंग परफॉर्मेंस की वजह से लोग इन्हें कठोर समझते हैं, लेकिन रिंग के बाहर रेसलर हमसे कहीं ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। इस तस्वीर में जो बच्चा आप देख रहे हो, इसका नाम कॉनर था। ये बच्चा कैंसर का मरीज था। डॉक्टर ने इन्हें बताया था कि इनके पास जीने का वक्त बहुत कम है। व्यूअर्स, कॉनर की ड्रीम थी कि वो WWE सुपरस्टार बने। ट्रिपल एच ने इसे नॉन ऑफिशियल मैच में चैलेंज किया, जिसमें ट्रिपल एच ने एक ही पंच खाकर खुद को नॉकआउट कर दिया, जिससे कॉनर की लास्ट विश भी पूरी हो गई। दोस्तों, ये सच में एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी थी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.